गाइस, अभी हम लोग दीक्षित से पहले एटीवी राइड के लिए रुके हैं। यह है सबसे ब्यूटीफुल एटीवी राइड। मैं आपको बताता हूँ यहाँ का कितना कॉस्ट लगेगा आपको एटीवी राइड का। और दीक्षित पहुंचते पहुंचते तीसरा विकेट गिर चुका है। दीक्षित पहुंचते पहुंचते तीसरा विकेट गिरा है, तीसरा विकेट गिरा है पूना मामी का। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक वार्निंग बता देता हूँ। ऑपरेशन ऑफ दिस एटीवी बाय चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 16 इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीवियर इंजरी। सो 16 साल से नीचे के बच्चे एटीवी ना राइड करें। 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए ये रिस्की है। दे मे फेल डाउन। राइड की कुछ सेफ्टी दी हुई है और टिकट्स, सिंगल एटीवी राइड है 1000, सिंगल पर्सन एटीवी राइड 1000, फॉर डबल इट इज 1200, इट इज नॉन रिफंडेबल टिकट एंड राइड विथ सेफ्टी। हमारे ड्राइवर बोलने रहते हैं और आज वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। और फिर भी हमारे सही है, हमें रास्ते में एक मिले थे, उनके ड्राइवर तो उतर के बाहर हंसे जा रहे थे। उनके वो जो बैठे थे ट्रैवलर, वो लोग देख रहे, हमें लगा वो हमें देख रहे हैं, वो भी बेचारे ड्राइवर को देख रहे हैं कि वो बैठे और गाड़ी चला रहे हैं। क्या था वो ड्राइवर? चलो ना मामू, एक आप चलाना एक मैं चलाऊंगा। और क्या? अरे क्या हो गया? तो वही तो मजा है ना। चार पहिए हैं, क्या दिक्कत है? तो आए तो इसीलिए ही है। यहाँ पे ये मनीष और मामा जी राइड करेंगे एटीवी, तो उसके लिए फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म में क्या लिखना है? फॉर्म में एक नाम लिखना है, आपके पीछे जो बैठेगा उसका नाम और सिग्नेचर। और यहाँ ये है कि अगर सिंगल ड्राइव करेगा पर्सन तो 1000 रूपए है और डबल करेंगे तो 1200 है। डबल इन द सेंस आपके पीछे कोई बैठेगा, तो मनीष के साथ दिब्बू बैठ रहा है, मामा के साथ अंजिल बैठ रही है। सो गाइस, फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग फॉर 16 से नीचे नहीं कर सकते ना। बट अगर इन लोगों ने सही से कर लिया और इजी हुआ तो मैं करूंगी मामी बाटी के पीछे।
बलि का बकरा बनेगी मामी। मनीष जा रहा है एटीवी राइड के लिए। मैं बना रही हूँ ना, मैं बना रही हूँ। और यहाँ मामा भी जा रहे हैं रोले में, ये भी एटीवी राइड करेंगे और ये दोनों कर लेंगे तो फिर मामी हम दोनों भी करेंगे। अरे मैं चलाऊंगी, आप बैठना। मामी इतना विश्वास करो यार, मेरी कार में नहीं बैठती है। सो गाइस, हम जा रहे हैं एटीवी राइड। दीक्षित डिस्किट है, दीक्षित डिस्किट के आई टी है, किटकैट बिस्किट होती है। बिस्किट एरिया है ये, सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना बहुत इम्पोर्टेंट है। उधर मामा भी रेडी हो रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे लोग लेके? 4-5 किलोमीटर है शायद। कितना किलोमीटर भैया राइड कराते हैं? 4 किलोमीटर की राइड है ये। शुरू हो गई मनीष की राइड। गया मनीष गया और अब मामा जा रहे हैं। देखो वो लोग गए एटीवी राइड पे। 4 किलोमीटर की राइड है ये। सेफ्टी के लिए एक पर्सन इनका बैठता है साथ में और हेलमेट वगैरह भी देते हैं, बाकी अपना खुद सेफ्टी रखें।
का वेट कर रहे हैं मामी और मैं। तबीयत भी खराब हो रही थी बीच में, अब थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे अपने होटल में पहुंच के। मनीष और अंजुल वो आ रहे हैं, वो दूर जो दिख रहे हैं ये यहाँ से एटीवी चला के आ रहे हैं। चला के गया था मनीष और लौट के चला रहा है दिब्बू। वही है दिब्बू चला रहा है। कैसी रही राइड? बहुत मजा आया। वहाँ जाके एकदम सैंड का रेगिस्तान है और उसके बीच में इतना हाइट तक, ऐसे हाइट तक लेके जा रहे हैं। बहुत मजा आता है भैया के साथ। भैया हमें बिठा लो, भैया हमें बिठा लो, आ रहे इस पे बैठो, इसी बैठेंगे आपके साथ। नहीं मुझे ले चलो ना भैया, टिकट खा रहा है, ले आएंगे। चलो तेरे साथ, कैमरा नहीं ले गया था मैं, ले चल। स्कूटी की तरह चलाना है, स्कूटी की तरह। इसमें ना ब्रेक है ना ये आपको दबाना है, सिर्फ आपको ये एक्सीलेटर है, बस ये एक्सीलेटर को ही दबाना है जैसे स्कूटी चलाते हैं। और भैया आपके साथ बैठेंगे और एक्सपीरियंस अमेजिंग होने वाला है। एक मोबाइल लेके जाओ, मोबाइल वहाँ फोटो खींच देंगे वो तुम्हारे, उनको दे दे, मामी को पकड़ा दे। मैं हूँ लेह लद्दाख के ऐसी जगह जहाँ पे एटीवी राइड होती है, मजा आ रहा है। पीछे देखिए सैंड ड्यून्स हैं और यहाँ पे मैंने अभी भी एटीवी राइड करी है, मजा आ गया। हाईवे टू एक्सप्लोर 2.1 की टीम, आप बताइए अगर इंसान इस जगह पे आता है नुब्रा वैली, हाँ, तो उसको एटीवी राइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिल्कुल वर्थ है, बिल्कुल वर्थ है। जब आप करोगे आपको शुरुआत में लगेगा बेकार है, लेकिन जब आप मतलब गाड़ी में बैठोगे उसके बाद आपको बहुत मजे आएंगे। अभी देख सकते हैं आप, चार दीदी आ रही हैं, मम्मी आ रही हैं, हम लोग तो कर चुके हैं। दीदी की बारी गाइस, यहाँ एटीवी राइड आने से पहले इन लोग की हालत कैसी थी और अब देखिए इनकी हालत कैसी है। आप डांस कर सकते हो, देखो अभी फिर से गाड़ी में बैठने के बाद कैसे होगी देख सकते हो। अब हम सही हो गए, अभी बिल्कुल ट्राई करने की हिम्मत नहीं थी लेकिन मैं करके आ गई। आई ऑल्सो डू इट।
ये जो हमने 1200 रुपए दो के लिए दिए वो वर्स्ट थे कि नहीं थे? बहुत 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 ज्यादा। सो मामी आपको कैसा लगा? कितना मजा आया? बहुत मजा। चला के कैसा लगा? डर लग रहा था थोड़ा सा लेकिन अच्छा लगा। और उसने जो सैंड पे उछाला दिल हाथ में आ गया। एंजल ने सबसे तेज चलाई। और अब सबसे इम्पोर्टेंट आदमी का हाँ आप बताएं। अरे मस्त राइडिंग, मजा आ गया। 4 किलोमीटर की राइडिंग, मजेदार राइडिंग। पूनम तो कह रही थी और राइडिंग और करा, और इतनी जल्दी बंद कर दी गाड़ी। 4 किलोमीटर है बता रहे हैं वो। 4 किलोमीटर टाइम आ गया हमारा यहाँ से जाने का। अलविदा एटीवी, इस ब्यूटीफुल प्लेस को अलविदा करने के लिए अब चलते हैं। मजे तो खूब है एटीवी चलाने में। काश यहाँ से कोई फ्लैश मिल जाए तो यहीं से वापस घर पहुंच जाऊं। अब क्या लग रहा है? और एटीवी राइड के पास ही वॉशरूम भी है, अगर आपको वॉशरूम यूज करना हो तो कर सकते हैं। गाड़ी के पास आते गंदी फीलिंग आने लगती है, क्या बात है। सो गाइस अब हमारी एटीवी राइड हो चुकी है, अब हम निकल रहे हैं अपने होटल्स के लिए। गाइस तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम लोग ने एटीवी राइड कंप्लीट कर ली है और अब हम जा रहे हैं अपने होटल के लिए। एटीवी के रोड के अपोजिट साइड जिप लाइनिंग भी हो रही है गाइस, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और मिल्खा सिंह पॉइंट भी है, बोल रहे हैं मिल्खा सिंह पॉइंट भी है। कहाँ पे है? ओके सो गाइस मैं आपको मिल्खा सिंह पॉइंट दिखाता हूँ। अच्छा मिल्खा सिंह मूवी की शूटिंग यहीं पे हुई थी। ओके तभी इस पॉइंट को मिल्खा सिंह पॉइंट के नाम से जानते हैं। गाइस ये जिप लाइनिंग हो रही है यहाँ से, ये यहाँ से पॉइंट है जिप लाइनिंग का। इन लोग की हालत सही हो गई, भैया ने सही कहा था कि जैसे ये लोग एटीवी राइड कर लेंगे थोड़ा ऐसे ऐसे 4 बार हो जाएंगे तो सब सेटल हो जाएगा पेट में। जो गैस बन रही थी वो गैस सेटल हो गई तुम्हारी। सुबह से एक कप चाय भी नहीं पी, मैंने तो इतने पी थी तो इनकी तो निकल गई। आ जाओ कोई बात नहीं, होता है उल्टी होती है, वो लाइफ में पूरी जिंदगी चलेगी। मुझे तो बचपन से होती है, मैं इतनी छोटी सी थी मम्मी की गोदी में करती थी, जब पापा के साथ रहते थे हम जाते थे। इसको भी होती थी ये बात, इतनी धूल हो गई थी जब हम गए थे संगम रिवर पे और यहाँ पे ही बहुत धूल। कल हमने एक ही दिन में 2 बार बाल धोए ले लद्दाख में, सोचो कोई नहाने की भी ना सोचे, 2 बार नहाई संगम में। तो ऐसा लग रहा था कि पीछे कोई आंध्र प्रदेश साउथ चटा चट चाटे मार रहा है। कौन इंसान बन गया? कौन चाटे मार रहा है? वो जो धूल उड़ रही थी वो।